ब्रेक के बाद का स्वागत है। सरका घाट के गाहर पंचायत में देव आस्था के नाम पर क्रूरता का शिकार 81 वर्षीय बुजुर्ग राजदेव से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हमीरपुर में पहुंचे। हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 में अपने बेटे के यहां पीड़ित बुजुर्ग राजदेव से मिलकर मुकेश अग्निहोत्री ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बुजुर्ग मीडिता के साथ बेटे भी फूट फूट कर रोती हुई नजर आई और न्याय की गुहार लगाने लगी। सरका घाट की गाहर पंचायत में देव आस्था के नाम पर क्रूरता का शिकार 21 वर्षीय बुजुर्ग राजदेव से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हमीरपुर में मिलने के लिए पहुंचे। हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 में अपनी बेटी के यहां पीड़ित बुजुर्ग राजदेव ने मिलकर मुकेश अग्निहोत्री से न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बुजुर्ग पीड़िता के साथ बेटी भी फूट फूट कर रोती नजर आई और न्याय की गुहार लगाने लगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी जिला में बुजुर्ग के साथ घटी घटना पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री को तुरंत इस घटना के बाद संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे देवभूमि के नाम से जाने वाला प्रदेश शर्मसार हुआ है। ये जो है प्रदेश सरकार की बड़ी नाकामी है। इसमें मुख्यमंत्री को डायरेक्ट हस्तक्षेप करना चाहिए था, सीधा हस्तक्षेप उनका होना चाहिए था और उनको जो है उनके गृह जिला होने के नाते उनको खुद मौके पर आना चाहिए था और देखना चाहिए कि क्यों ऐसी घटना जो है पेश आई है। हम परिवार से मिले हैं, हमारी सिंपति है कि इस तरीके से जो है किसी महिला के साथ जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं और बड़ी बड़े बड़े उद्घोष लगाते हैं, तो ऐसे में अगर ये घटना हो जाए, इस घटना ने जाहिर तौर पे देवभूमि खास तौर पे हिमाचल को कलंकित किया है। अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में ऐसी घटना घटी है और इस कृत्य के लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था कैसी है। उन्होंने कहा कि गांव में घटना को मिल बैठकर निपटाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करके सरकार की कानून व्यवस्था की भी पोल खुली है। देखिए, हिमाचल प्रदेश देव भूमि है, ऐसी भूमि पे एक ऐसी अर्थहीन घटना हो जाए और मर्यादाहीन घटना हो जाए कि एक 81 वर्षीय महिला के साथ जो सलूक हुआ है वो बिल्कुल अमानवीय है, अशिष्ट है और आचरण जो है ये सही नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी सभ्य समाज इसको सही ठहरा ही नहीं सकता। और इससे भी ज़्यादा अशोभनीय बात है कि मुख्यमंत्री जयराम के गृह जिला में ये घटना घटित हुई है और इस सरकार के लिए, इस कृत्य के लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेवार है। सरकार को देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था की क्या दृष्टि है, कैसे एक महिला के साथ ऐसा क्रूरता से लोग पेश आए हैं। बड़ी से बड़ी बात भी हो जाती, कोई भी हो जाती, उसको मिल बैठ के गांव में हल किया जा सकता है।